गॉड एम्स वेल्डी उसके लिए एक साल मेहनत करनी पड़ेगी तीन महीने नहीं और उसके लिए वो रील्स के नशे करने बंद पन पड़ने पड़ेंगे बंदे आ तू तो बंदे आ जिंदगी में ये सारी चुती और चुता बकवास करना बंद करना पड़ेगा जब तो ये कर लोगे ना तब तो एग्जाम निकल जाएगा बिकॉज दैट डे यू वुड हैव मच्योर दैट डे यू वुड हैव बिकम अ बेटर पर्सन एज फार एज एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न एंड दैट डे यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड गेट द

जबकि जिन लोगों ने टॉप किया होता है हो, उन्होंने दो साल ढंग से पढ़ाई की होती है एंड देन एग्जाम दिया होता है राइट सो इफ आर कम्पीटिंग विद समस्ट टू इयर्स ऑफ प्रेपेशन वर्ज यू हु एक्चुअली डिड नॉट डू एनीथिंग इन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्टंड हो सकता है तुम सेकंड या थर्ड ड्रॉप ले रहे हो और तुमने ड्रॉप में भी अपने मामा बापा को झूठ बोल के बस, बस मस्तियां मारी हैं और रील्स देखी हैं तो ऑब्वियसली एक साल इट्स गोइंग टू बी बीफिल टास्क सिर्फ क्रैक ही कर पाओगे बट इज इट ऑलवेज ट्रू द आंसर इज नो मैंने देखो मैंने ड्रॉप नहीं लिया टेक्निकली बट मैंने एक साल में एम्स दिल्ली निकाला है

और उस छः से सात घंटे में जो मैं हर बार बोलता हूँ दो से तीन घंटे रोज़ की पाचास से सौ एम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके एग्जाम निकलेगा नहीं तो नहीं निकलने वाला भूल जाओ तब तो एग्जाम निकलेगा और अगर हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा हल्की से आई बेटर हुई ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ड्रॉपर्स और नेवर टॉपर्स को जाके बोल पाओगे कि छूट स्टेटमेंट है नहीं तो रह जाओगे फिर एक और ड्रॉप लेते रहो फिर लेते रहो दस ड्रॉप लेते रहो फिर उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है इस वीडियो में तुम्हें तो एक टाइमलाइन बताने वाला हूं हाउ टू अप्रोच एवरीथिंग बताने वाला हूँ वन स्टॉप वीडियो होने वाली है सो लेट स्टार्ट और पहली चीज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टें थिंग जॉइन अ कोचिंग इट्स इंपॉर्टेंट एक्चुअली में कोचिंग इंपॉर्टेंटेंट समझोगे कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री को बायोग्रफ को खुद भी पढ़ ली तो ऑनलाइन ऑफलाइन वोट एवर यू वॉन्ट टू जॉइन परफेक्टली फाइन बट प्रेफरेबली ऑफलाइन ज्वाइन करना अगर इफ यू कैन अफोर्ड बिकॉज इट गिवस यू डिसिप्लिन एंड इट कीप्स यू ऑन ट्रैक इफ यू डू नॉट हैव द मनी इफ यू वॉन्ट टू जॉइन एन ऑनलाइन ऑनलाइन वन दट्स परफेक्टली फाइन एज वेल बट ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग वो जैसे भी हो उनको फॉलो करना फॉर द शेड्यूल मोस्ट कोचिंग इलेवेंथ एंड ट्वेल्व दोनों का सिलेबस मिला के बाय नवंबर दिसंबर तक खत्म कर देते हैं तो जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाना जो जो जैसे जैसे उनका टॉपिक्स आते रहेंगे वैसे वैसे पढ़ते रहना अवॉइड बैकलॉग्स पहला पार्ट तो हो गया कोचिंग का बट तो ठीक है कोचिंग तो सब ज्वाइन जो कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है मूविंग ऑन टू द बिगर एंड मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ड्रपर इज फुल पॉसिबल तुम्हारा स्कोर थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड्रेड्रेड्रेड फाइव हंड्रेड के आसपास पास रहा होगा थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड की रेंज होगी मोस्ट पीपल एंड ऑफ ड्रॉपिंग ऑवस्टर से कम स्कोर है या दो स्कोर है तो नॉट यू कैन नॉट टेक अ ड्रॉप बट टेक अ हार्ड लुक एट योर सेल्फ अंडरस्टैंड इतना द स्कोर विटिन थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड इट ऑब्वियसली मीनस की right? Now, 500, इवन बायो में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे बायो इज फुली एनसीआर टी हर क्वेश्चन एनसीआर टी से आया है राइट सो शुड है थ्री सिक्सटी ऑन थ्री सिक्सटी इन बायोलॉजी राइट देर इज नो एक्सक्यूज की थ्री हंड्रेड क्यों आए या टू एट्टी क्यों आए या टू हंड्रेड क्यों आए या थ्री हंड्रेड क्यों आए द सिंपल रीजन बॉज तुमने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की होगी या तुमने एनसीआरटी ढंग से नहीं पढ़ी होगी तो एनसीआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है वो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ मान लो एक चैप्टर जैसे ब्लड का चैप्टर है तुम्हारे सामने यू you नो know, पहला पन्ना खोलो अगर ब्लड चैप्टर का ब्लड एंड बॉडी सर, बॉडी सर्कुलेशन एंड एड्स वाला चैप्टर उसमें वहां आप एक लाइन लिखी हुई है क्या लाइन लिखी हुई है ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तुम्हें जब भी तुमको एक लाइन पढ़ो एनसीआर की यू शुड कीप ऑन थिंकिंग कि यार ये एमसीक्यू कैसे बनेगा तो जो लाइन लिखी है ना वहां पे ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ऑल राइट दैट इज अमसी ब्लड कनेक्टिव टिश्यू एपिथिलियल टिश्यू यू नो नर्वस टिश्यू थिंग्स लाइक दैट मतलब मैं ऑब्वियसली बहुत ही एक्सट्रॉड लेपल you know, दे रहा हूं बट जैसे तुमने कोई लाइन पढ़ी इमिजिएटली सोचो यार एमसीक्यू कैसे बन सकता है

PYQ NCRT, कि हर लाइन के नीचे लिखा है ताकि था। था तुम्हें खुद पता चलता रहे कि यार ये लाइन एनसीआर की पहले कैसे एग्जामिनर ने एमसीक्यू बनाई थी और ऑब्वियसली उस लाइन के साथ एमसीक्यू uh, you know, uh, के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी होगी अंडरस्टैंडिंग तो भी बेटर हो जाएगी अलॉन्ग विदीपल की प्रमोट क्यों करते हो आप बिक गए हो क्या मैं उनको एक चीज बताऊंगा सबसे पहले कपिल सर मेरे दोस्त है

एड्रेसिंग दम वंस की आई एक्चली पुट ट्रस्ट इन दैट प्रोडक्ट एंड इफ यू हैव ल लिटिल बिड ऑफ ट्रस्ट इन मी मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलने वाला कि तीन महीने में, में एग्जाम निकलने वाला है मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाला कि एग्जाम की जर्नी आसान है आराम से निकल जाता है आई विल गिव यू ऑनेस गाइडेंस और मैं ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूं कि एक्चली में अच्छा प्रोडक्ट है और ऑनेस्टली एक और चीज बोल रहा हूँ प्रोडक्ट लेने का मन ना हो टैट्स फाइन जो इस वीडियो से सीखोगे एन हाउ टू रीड एनसीआरटी उन प्रिंसिपल्स को प्लीज अप्लाई करना एग्जाम तभी निकलेगा प्रोडक्ट मत लेना कोई नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑब्वियसली बट प्लीज ट्राई टू रीड एनसीईआरटी इन दिस वे ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन गेट बैक टू एनसीईआरटी एंड सी कि वो एग्जामिनर एग्जाम exam में वो एमसीक्यू निकालता कैसा है हर लाइन पढ़ो हर लाइन पढ़ने के बाद वो लाइन पढ़ी अच्छा प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलरड विस्कस फ्लूइड सोचो हाउ कैन दिस बी टर्न इनटू एन एमसीक्यू

गो रीड दैट पीवाई क्यू मार्क एनसीआरटी फ्रॉम टारगेट बास एंड कम बात एंड सी कहां कहाँ गलतियां एनसीआरटी में पिछले दस साल के पंद्रह साल के प्रिवेशन सोल्व किए एडिशनल कुछ सौ दो सौ क्वेश्चन एनसीआरटी बेस्ड एमसी क्यू सोल्व किए एंड देन यू कैन एक्सरी से मेरा चैप्टर खत्म हो गया है सो दिस इज द वे यू रीड बायोलॉजी दिस इज द वे यू रीड एनसीआर एंड दिस इज द वे यू रीच थ्री हंड्रेड एंड थ्री थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी एज फर एज बायोलॉजी मूविंग ऑन टूवर्ड्स केमिस्ट्री राइट ना केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को जैसे बायो पढ़ते हैं ना समथिंग सिमिलर ही करना है इनऑर्गेनिक तो रट्टा ही है सबको ही पता है तुम्हें एग्जैक्टली exactly हम लोगों ने टारगेट बैच में पीवाई क्यू मार्क केमिस्ट्री एनसीआर हुई है ओके okay. वही करना है पढ़ा सोचा कि एमसीक्यू कैसे बन सकता है और फिर एमसीक्यू सॉल्व किए प्रिय क्वेश्चन सोल्व किए एंड गेट बैक दिस इज हाउ विल यू इम्प्रूव यूर एमसीक्यू प्रैक्टिस एज वेल एंड दिस इज हाउ यू विल इम्प्रूव योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है डेली दस क्वेश्चन डालता हूं so सो किए दस क्वेश्चन रात के ग्यारह बजे भी डाले बट डाले ताकि तुम्हें भी यह रहे कि रोज के पचास एमसीक्यू करने है वो एकबिलिटी बनी रहेगी हुआ है नीचे ग्रुप का लिंक दिया वो फ्री है वो दस क्वेश्चन रोज के तुम्हें फ्री मिलते रहेंगे आधा उसमें क्या हर्ज है ना तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और को सिमिलरली तुम्हें सोल्व करना है ऑर्गेनिक में एक स्पेसिकली चीज बोलूंगा तुम्हें कि जो एनसीआरटी पीछे होता था ना कि इस कंपाउंड से इस कंपाउंड तक कैसे पहुंचे उनको सॉल्व करो तो होती है. Physics. Now, physics, physics, practice, no ये दस साल से बोल रहा हूं बारह साल से बोल रहा हूं और आज भी वही बोलूंगा फिजिक्स का कुछ नहीं होता यार फॉर्मुला एक ही होता है तुमने वो फॉमुला जो है जैसे मैंने बोला ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से समझा उसके क्वेश्चन लगाए गलत करो मैं तो चाहता हूं तुम गलत करो कि गलतियां कभी एग्जाम में इंसान भूलता नहीं है वो तुम लोगों ने गलत किया गलत करने के बाद जब तुम नीचे आए कि अरे ये मैंने गलती क्या की कि उसके एक्सप्लेनेशन देखी अब उस क्वेश्चन के जैसे ही एक और क्वेश्चन तुमने टारगेट बैच से सॉल्व किया कि ये सिमिलर क्वेश्चन है है सेम अप्लाई हो रहा है। ऐसे चार बार करोगे ना अपने आप वो, वो वो formula उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसे फिट होने वाला समझ में आ जाएगा पर उसके लिए तुम्हें वो चार बार मेहनत करनी पड़ेगी चार बार अपना आंसर गलत करना पड़ेगा तभी पांचवी बार पे समझोगे फिजिक्स को इंप्रूव करने का कोई और तरीका नहीं होता अंटरलेस यू प्रैक्टिस बार बार थ्योरी पढ़ के नहीं निकलेगा यार तुम्हें तो बार बार वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी द बेस्ट पार्ट अबाउट यू नो रिकमेंडिंग टारगेट पास अगेन बिकॉज इसी वर्मा पूरी पूरी वहा सॉल्व पड़ी हुई है यार सो इफ यू वॉन्ट टू सोल्व हायर लेवल क्वेश्चन वो पड़े हुए हैं वहां कि मेरे को आ गया बेसिक्स आ गए मैं और हायर लेवल थोड़ा करना चाहता हूँ उनकी एक्सप्लेनेशन समझना चाहता हूँ

किसी चैप्टर को रिवाइज करने से पहले इमिजिएटली जो पिछले पंद्रह साल के क्वेश्चन है एमसीक्यूज तो सॉल्व करने हैं जो गलतियां की अरे मैं ये भूल गया हूं या ये मेरे को अब याद नहीं है उसमें वापस थ्योरी पे जाना है समझना है फिर फिर से एमसीक्यू पे आना है तो है तो नॉर्मल लाइफ ये होती कि हम लोग पहले पढ़ते हैं टॉपिक को फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ये जो नॉर्मल लाइफ है ये सिर्फ नवंबर दिसंबर तक कर रही है जनवरी के बाद ये लाइफ उल्टी कर देनी है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू राइट नाउ जनवरी के बाद कोई भी चैप्टर रिवाइज करने जाओगे तो एक्टिव रिकॉल करना और एक्टिव रिकॉल का मतलब यही ही है पहले की, है। में जो तुम्हाने गलती की थी वो देखी और फिर थ्योरी पढ़ी क्योंकि उसमें उससे और रियलाइज होगा कि ये मेरी वीक एरिया मैं पकड़ के तो मिड मार्च तक एक रिव्यजन मिड मार्च से मिड अप्रैल तक और रिव्यजन एंड फाइनल ऐसे टोटल चार बार रिवाइज कर लोगों

तो ये सारी चुतियाँ छुत बकवास करना बंद करना पड़ेगा जब ये कर लोगे ना तब एग्जाम निकल जाएगा बिकॉज दैट डे यू वुड हैव मच्योर दैट डे यू वुड हैव बिकम अ बेटर पर्सन एज फर एज एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न एंड दैट डे यूल स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड गेट दट डिजायर्ड्स इट दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे थैंक यू have a नाइस nice डे